वेलकम बैक। यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं एडीसी के क्लास नंबर 5 तो पेन टूल एक्टिवेट कंट्रोल पी की मदद से। एंड यहाँ पे जब हमारी क्लास चालू है ये है एडीसीए क्लास नंबर 5 तो 5th नंबर की क्लास है। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर होता क्या है? तो बेसिकली जैसे कि मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, जो मेरी विंडो 10 की क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड दूसरे होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। अभी तक हम कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं हमारे एडीसीए के कोर्स में? तो पार्ट वन अभी हमारा चालू है, मतलब सेमिस्टर वन। तो सेमिस्टर वन में हम कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं? तो फंडामेंटल कंप्यूटर हम कंप्लीट कर चुके हैं, विंडो 10 हम सीख चुके हैं, इंटरनेट एंड ईमेल भी हम सीख चुके हैं। तो अब टॉपिक आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो इस क्लास में हम ये वाला टॉपिक सीखने वाले हैं, उसके बाद बाकी सब की तरह इस पे भी हम एक स्ट्राइक थ्रू लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर होता क्या है? व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्स एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विस फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। बेसिकली जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो ओएस है वो एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आपको मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया है कि सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरे होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं, या तो आप ऐसा कह सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एक वो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने के लिए एक पाथ प्रोवाइड करता है। ओके, तो यहाँ पे मैं पाथ लिख देता हूँ। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक पाथ प्रोवाइड करता है कि हाँ आप मेरे थ्रू यहाँ पे इंस्टॉल हो जाइए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन हम इसकी देख लेते हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट एंड द यूजर। एवरी कंप्यूटर सिस्टम मस्ट हैव एटलीस्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन अदर प्रोग्राम। एप्लीकेशन लाइक ब्राउजर, एमएस ऑफिस, नोटपैड, गेम्स एक्सेट्रा नीड सम एनवायरनमेंट टू रन एंड परफॉर्म इट्स टास्क। तो जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन से वो क्लियर हो जाता है कि हर कंप्यूटर में, एवरी कंप्यूटर में कम से कम एक हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम उस कंप्यूटर को चालू नहीं कर सकते। एटलीस्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी देयर इन योर कंप्यूटर टू रन अदर प्रोग्राम। अदर प्रोग्राम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वो बात कर रहे हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम लिख देते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए हमको हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर के यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं जैसे कि वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर एक टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर में रन करते हैं। उसके बाद आ जाता है एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा अभी पावर पॉइंट ओपन है, तो पीपीटी मैं इधर लिख देता हूँ। तो पावर पॉइंट ओपन है जिसकी मदद से मैं आपको यहाँ पे अपनी क्लास समझा रहा हूँ। उसके बाद हमने नोट पैड देखा था, तो नोट पैड हमने विंडो 10 की क्लास में कवर किया था। तो नोटपैड को भी रन करने के लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। उसी तरह से गेम एंड एडिशनल जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उन सभी को रन करने के लिए हमें चाहिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कोई भी सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकते। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो हो विंडोज या फिर हो यूनिक्स, लिनक्स, जो भी आप से कहना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ फैक्ट या कुछ हिस्ट्री आप जान लीजिए थोड़ा विंडोज के बारे में या ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज फर्स्ट डेवलप इन लेट 1950s टू मैनेज टेप स्टोरेज। ओके, तो पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो डेवलप किया गया था 1950s में, लेट 1950s मतलब मोस्टली वहां पे 1950 खत्म होने वाला था, मतलब एंडिंग में। ठीक है, तो 1950 के अंत में एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ जो दुनिया का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो सिर्फ टेप मैनेज टेप स्टोरेज है उसे मैनेज करने के लिए बनाया गया था। एंड उसके बाद
in mid-1960, operating system started to use disk. मतलब 1950 में जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था वो डिस्क यूज नहीं करता था पहला ऑपरेटिंग सिस्टम मिड 1960. मिड का मतलब होता है बीच में, साल के स्टार्टिंग में भी नहीं, अंत में भी नहीं, बीच में, मतलब मई जून जुलाई के महीने में यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एक बना था जिसने डिस्क को यूज करना स्टार्ट किया था अपने सिस्टम में. ओके, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम डॉस था वो बना था 1981 में by purchasing the 86 DOS software from Settled Company. Settled Company से 86 DOS नाम का सॉफ्टवेयर खरीद के माइक्रोसॉफ्ट ने अपना उसमें ब्रांडिंग करके मॉडिफाई करके ब्रांडिंग किया था एंड उसका नाम रखा था DOS. ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, फर्स्ट OS जो माइक्रोसॉफ्ट का था वो था DOS. कब बना था? 1981 में. ओके, तो ये हो गई हिस्ट्री की बात, H लिख देते हैं. अब बात करते हैं प्रेजेंट की. प्रेजेंट में अब क्या किया है माइक्रोसॉफ्ट ने? विंडो 11. ओके, विंडो 11 यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली लॉन्च हुई है. 5th अगस्त 21 को फर्स्ट टाइम यहाँ पे विंडो 11 देखने के लिए हमें मिली थी. एलिजिबल पीसीज में यहाँ पे विंडो 11 का अपडेट आ रहा है. तो आपका पीसी भी अगर विंडो 11 के लिए एलिजिबल होगा तो डेफिनेटली विंडोज अपडेट में आपको विंडो 11 का अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा. ओके, तो मोस्टली अभी भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि विंडो 11 को आप अभी इंस्टॉल मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम वेट कीजिए. एंड अगर आपका पीसी है उसमें 8GB से कम रैम है तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करता कि विंडो 11 आप यूज़ कीजिए, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट वर्जन है, अभी इसके और कोई वर्जन नहीं बनाए हैं. तो जो ओरिजिनल विंडो 11 का वर्जन है उसे मिनिमम 4GB रैम रिक्वायर्ड है वर्क करने के लिए. ओके, तो इसलिए अभी मैं रिकमेंड नहीं करता, विंडो 10 यूज़ कीजिए, क्योंकि विंडो 10 बहुत ही अच्छा है. जब तक विंडो 11 के और वर्जन नहीं आ जाते तब तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए. ओके, आगे हम बढ़ते हैं. फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? सबसे पहला फंक्शन प्रोसेसर मैनेजमेंट, सेकंड फंक्शन मेमोरी मैनेजमेंट, थर्ड फंक्शन डिवाइस मैनेजमेंट, फोर्थ फंक्शन फाइल मैनेजमेंट, फिफ्थ सिक्योरिटी, सिक्स्थ एरर डिटेक्शन एंड लास्ट 7th फंक्शन आ जाता है जॉब शेड्यूलिंग. तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेसर मैनेजमेंट से. प्रोसेसर मैनेजमेंट आखिर होता क्या है? सो यहाँ पे बात कर रहे थे हम प्रोसेसर मैनेजमेंट की. तो बेसिकली अभी क्या हुआ था, मैं ब्लूटूथ एक माइक यूज करता हूँ वॉइस रिकॉर्ड के लिए, तो उसकी बैटरी सडन लो हो गई थी. तो यहाँ पे मैंने अपना जो माइक है उसे चेंज किया, इसलिए क्लास को मुझे कट करके वापस से स्टार्ट करना पड़ा. ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोसेसर मैनेजमेंट की. बेसिकली प्रोसेसर मैनेजमेंट का वर्क क्या होता है? प्रोसेसर मैनेजमेंट कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर होते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि कंप्यूटर के जितने भी प्रोसेसर होते हैं उनको अपना काम बताता है कि आपको क्या काम करना है. ठीक है, तो वहाँ पे वो वर्क अलॉट करता है सभी प्रोसेसर को. ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्क अलॉट. ओके, उसके बाद जो हमारा मेमोरी मैनेजमेंट होता है वो किस तरह से वर्क करता है? मेमोरी मैनेजमेंट, जैसे कि हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट ने वर्क अलॉट कर दिया तो उस वर्क के लिए कितनी मेमोरी यूजेबल है, कितनी मेमोरी चाहिए, वो कौन बताएगा? वो बताएगा हमारा मेमोरी मैनेजमेंट. ओके, तो वो बताता है कि आपको इस वर्क के लिए कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है, मेमोरी अलॉट करता है मेमोरी मैनेजमेंट. उसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट क्या हैंडल करता है? डिवाइस मैनेजमेंट हमारा IO हैंडल करता है, मतलब इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस. I का मतलब होता है इनपुट एंड O का मतलब होता है आउटपुट. ओके, तो डिवाइस मैनेजमेंट है वो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को हैंडल करता है या मैनेज करता है. उसके बाद फाइल मैनेजमेंट क्या करता है? फाइल मैनेजमेंट हमारी जितनी भी फाइल हैं जो हमारे पीसी में या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में है उन सबको हैंडल करता है. एंड कोई भी फाइल हमें कॉपी करनी हो, पेस्ट करनी हो या ट्रांसफर करनी हो तो उस चीज में वो हेल्प करता है. ओके, तो फाइल मैनेजमेंट बेसिकली हमारा जितने भी फाइल के काम होते हैं, कॉपी पेस्ट या फिर ट्रांसफर, उन सब में हेल्प करता है. उसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी. तो सिक्योरिटी तो आपको पता ही है कि फाइल है, मतलब हमारा यहाँ पे डेटा सेव है. तो डेटा को सिक्योर करने के लिए हम क्या करेंगे? तो डेटा को सिक्योर करने के लिए हम सिक्योरिटी मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप ये सब करता है. एंड उसके बाद अगर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ एरर आ जाती है तो वो कैसे सॉल्व होती है? तो एरर डिटेक्शन.
तो एरर डिटेक्शन होता है, वो हमको बताता है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ एरर है या मेरे कोई सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया उसमें अगर कुछ एरर आती है तो वो हमें एरर डिटेक्शन ही बताता है कि आपके सिस्टम में या आपके सॉफ्टवेयर में ये एरर है। ओके, उसके बाद जॉब शेड्यूलिंग। जॉब शेड्यूलिंग बेसिकली हमें बताता है कि कंप्यूटर में आप क्या वर्क करना है, नेक्स्ट आपको क्या काम करना है, पूरा शेड्यूल हमारा जो जॉब का है उसका शेड्यूल जॉब शेड्यूलिंग करता है। तो बेसिकली आपने यहाँ पे एक चीज नोट की होगी कि इन सभी के नाम में ही उनकी डेफिनेशन छुपी हुई है, जैसे कि प्रोसेसर, उसके बाद मेमोरी, डिवाइस, फाइल, सिक्योरिटी, एरर एंड जॉब। ओके, तो इनका जो फर्स्ट नेम है उसी में इनकी डेफिनेशन छुपी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चला हो कि कैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन करता है या फिर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? तो 2021 अक्टूबर आज का मंथ सॉरी अभी जो मंथ चल रहा है वो है अक्टूबर एंड जो ईयर चल रहा है वो है 21। ओके, तो अभी तक 6 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आता है बैच ओएस, सेकंड आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, थर्ड आता है मल्टीटास्किंग ओएस, फोर्थ आता है नेटवर्क ओएस, फिफ्थ आता है रियल टाइम ओएस। ओके, यहाँ पे मैं टाइम मैनेज लिखना भूल गया, तो यहाँ पे इसका जो प्रॉपर नाम है वो आ जाता है रियल टाइम ओएस। उसके बाद जो 6 नंबर का आ जाता है वो आता है मोबाइल ओएस। तो इनमें से कुछ ओएस को तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि नेटवर्किंग, रियल टाइम एंड मोबाइल, लास्ट 3 को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हम अच्छे से इनको समझाएंगे। स्टार्ट करते हैं बैच ओएस से। बैच ओएस एक टाइप का ऐसा ओएस है जो डायरेक्टली कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं करता है। इसको ऑपरेट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है एक ऑपरेटर की। ओके, मतलब एक मीडिएटर भी उसे आप कह सकते हैं कि एक मीडिएटर की मदद से ही हम बैच ओएस को ऑपरेट कर सकते हैं। अब मैं इसका एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि बैच ओएस आखिर होता क्या है एंड कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो आपने अगर देखा हो पेरोल सिस्टम होते हैं या फिर बैंकिंग जो सेक्टर होता है। ओके, बैंकिंग, यहाँ पे हैंडराइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, माउस के साथ मैं इसे धीरे धीरे सीख ही रहा हूँ। तो जो हमारा बैंकिंग सेक्टर होता है या फिर जो हमारा पेरोल सिस्टम होता है उसमें यूज किया जाता है हमारा बैच ओएस। तो बेसिकली वर्क कैसे करता है कि जो हमारा ओएस होता है, मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करता हूँ, बैंकिंग सेक्टर में जो ओएस होता है वो अपने आप कुछ काम नहीं करता, उसे पता भी नहीं होता उसे क्या करना है। लेकिन जब हमारा ऑपरेटर या जब हमारा मीडिएटर उसको कमांड देता है या उसको बताता है कि अब आपको ये करना है, अब आपको देखना है इनके अकाउंट में कितना बैलेंस है, इनके अकाउंट से ये चीज आपको देनी है, कुछ डिटेल देनी है, तो वो सब काम हैंडल कौन करता है? बैच ओएस हैंडल करता है। ओके, तो एग्जांपल के साथ बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। बैच ओएस होता है वो डायरेक्टली कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं करता, उसे ऑपरेट करवाने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है एक ऑपरेटर की या फिर आप कह सकते हैं एक मीडिएटर की। ओके, सेकेंड आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड जो हम अभी विंडोज यूज करते हैं वो भी एक टाइप के डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस में काउंट होती है। ये एक सिंगल यूजर ओएस आती है कि जिसे एक सिंगल यूजर बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल कर पाता है, चाहे हमारा वो यहाँ पे जो हम विंडो यूज कर रहे हैं उसकी हम बात करें या फिर नॉर्मली मार्केट में हम कहीं जाते हैं, कोई भी लैपटॉप लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस में ही काउंट होते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल जो कॉमन यूजेज वाली होती हैं वो होती हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद बात करते हैं मल्टीटास्किंग ओएस से। मल्टीटास्किंग ओएस किस टाइप से काम करते हैं? तो मल्टीटास्किंग ओएस, जैसे कि मैं एग्जांपल के साथ ही आपको समझा रहा हूँ सब कुछ ताकि आपको अच्छे से अच्छी तरह से समझ में आए। मल्टीटास्किंग ओएस बेसिकली, जैसे आप किसी सुपर मॉल में जाते होंगे तो आपने वहां पे देखा होगा जब आप चेकआउट करते हैं तो हर काउंटर पे आपको एक वहां पे कंप्यूटर देखने के लिए मिल जाता है। ओके, एवरी काउंटर पे आपको ये कंप्यूटर देखने के लिए मिलेगा। तो कंप्यूटर में क्या होता है, बेसिकली आपका जितना भी आपने जो भी चीज शॉपिंग किया हो तो उसका डेटा वहां पे कंप्यूटर में अवेलेबल होता है, मोस्टली इसी काम के लिए होता है, वहां पे सब रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। लेकिन आपने कभी एक चीज नोटिस की है कि वहां पे जितने भी कंप्यूटर हैं वो सभी आपस में कनेक्टेड होते हैं, जितने भी चाहे वहां पे 1000 कंप्यूटर हो या 10000 कंप्यूटर हो, कितने भी कंप्यूटर हो, सभी कंप्यूटर आपस में लिंक होते हैं, वहां पे वो डेटा शेयर करते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी चीज का मेरे पास 100 स्टॉक है, ऑनलाइन मेरे पास कुछ ऑर्डर आता है तो एवरी टाइम एक ही पर्सन एक ही कंप्यूटर में उस चीज का ऑर्डर नहीं आएगा, हो सकता है अभी इसके पास आया, सेकंड टाइम किसी और के पास जाएगा, थर्ड टाइम किसी और के पास जाएगा।
तो बेसिकली यहाँ पे वो सब मेंटेन कैसे होगा, हमारा मल्टी टास्किंग ओएस है जो आपस में लिंक्ड होते हैं एंड वहां से एक दूसरे के साथ वो डेटा भी शेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अकाउंटिंग की बात करें तो ये यूज होता है मोस्टली अकाउंटिंग में या फिर मैनेजमेंट में या तो इन्वेंट्री स्टोरेज में या फिर ऐसे ही इसके रिलेटेड फील्ड में हम मल्टी टास्किंग ओएस को यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेटवर्क ओएस की। तो नेटवर्क ओएस इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ऐसे पीसी जो आपस में इंटरकनेक्ट हो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बात करता हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन की या फिर किसी एक साइबर कैफे की। तो कभी आपने साइबर कैफे में विजिट किया हो तो बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, अराउंड 5-10 कंप्यूटर साइबर कैफे में आपके रखे रहते हैं, ठीक है। तो 5-10 कंप्यूटर वहाँ पे जब रखे रहते हैं, आपको कोई भी चीज प्रिंट करनी होती है तो आप उसे प्रिंट कैसे करते हैं, आप सिंपली किसी भी कंप्यूटर में से प्रिंट का ऑर्डर आप दे देते हैं एंड वहां पे एक कॉमन प्रिंटर होता है साइबर कैफे में, उस कॉमन प्रिंटर में से ही प्रिंट आउट निकलती है एंड वहां से आप वो प्रिंट आउट रिसीव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक दूसरे से नेटवर्क के थ्रू जुड़े होते हैं कंप्यूटर। तो वो नेटवर्क हो सकता है चाहे वो लैन हो, मोस्टली लैन नेटवर्क ही यूज करते हैं आपस में जोड़ने के लिए, बाकी आप वाईफाई भी यूज कर सकते हैं एंड बहुत और भी नेटवर्क आते हैं तो उनका भी इस्तेमाल करके आप यहाँ पे नेटवर्क ओएस बिल्ड कर सकते हैं, ओके। तो मोस्टली यहाँ पे लैन ही यूज करते हैं क्योंकि लैन बहुत फास्ट होता है, सिक्योर होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी ये साइबर कैफे में कंप्यूटर होते हैं वो आपस में एक नेटवर्क के थ्रू जुड़े होते हैं। तो जो नेटवर्क के थ्रू जुड़े होते हैं बेसिकली उसका वर्क क्या हो जाता है, वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं एक नेटवर्क ओएस कि आपस में सभी पीसी वहाँ पे जुड़े हुए हैं। मुझे कुछ फाइल सेंड करनी है एक पीसी से दूसरे पीसी में तो मैं डायरेक्टली सेंड कर सकता हूँ, मुझे पेन ड्राइव लगाने की या फिर मेल करने की ऐसी जरूरत नहीं है। एक दूसरे पीसी में मैं कनेक्टेड हूँ, मैं कोई फाइल लेना चाहता हूँ या भेजना चाहता हूँ, मैं डायरेक्टली वहाँ से भेज सकता हूँ, ले सकता हूँ, ओके। एंड चलिए यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ भाड़ ज्यादा हो गई है तो इसे इरेज कर देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे हम रियल ओएस से। रियल ओएस मतलब रियल टाइम ओएस। तो रियल टाइम ओएस आपने सुना ही होगा एंड बहुत सारी मूवीज में भी आपने देखा होगा। बेसिकली रियल टाइम ओएस यूज होती है मेडिकल सिस्टम में एंड हमारा जो स्पेस सिस्टम होता है जैसे नासा वासा की आपने बात सुना ही होगा, तो वहां पे रियल टाइम ओएस यूज किया जाता है। तो रियल टाइम ओएस किस तरह से वर्क करता है, हमें कोई भी चीज का इनपुट एंड आउटपुट इंस्टेंटली चाहिए तो हम यूज करते हैं रियल टाइम ओएस को। फॉर एग्जाम्पल मुझे मेडिकल सिस्टम में किसी भी चीज का इनपुट आउटपुट चाहिए तो मैं जैसे कोई ऑपरेशन चल रहा हो, क्रिटिकल ऑपरेशन है तो उसमें आपको क्या करना है, मशीन हम यूज करते हैं तो मशीन की मदद से हम स्कैन करते हैं बॉडी को तो उसका रिजल्ट इंस्टेंटली मुझे शो करता है। तो कैसे करता है, रियल टाइम ओएस की मदद से, ओके। तो इसी टाइप से स्पेस की मैं बात करता हूँ, तो कोई भी हम रॉकेट या मिसाइल हम लॉन्च करते हैं स्पेस में तो वहां पे उसकी लोकेशन देखने के लिए क्या यूज करते हैं, रियल टाइम ओएस। मतलब कोई भी ऐसा वर्क जिसे हम इंस्टेंटली करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए रियल टाइम ओएस, ओके। तो बेसिकली एंड मोस्टली ये यूज होता है स्पेस में एंड हमारे मेडिकल सिस्टम में, ओके। ये दो बहुत ही बड़े इसके एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास मोबाइल ओएस, तो इसकी तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है मोबाइल ओएस कहाँ यूज होता है। आपके जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल है, आईफोन है या फिर विंडोज फोन है, सभी में जो भी ओएस है वो होता है मोबाइल ओएस, ओके। तो इसके एग्जाम्पल एंड्रॉयड, इसके बारे में तो ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है, आप सभी को पता ही होगा कि एंड्रॉयड होगा, आईओएस हो गया, उसके बाद विंडोज फोन हो गया, मोस्टली ये तीन ज्यादा चलते हैं तो विंडोज फोन हो गया। एंड एक बात जो अनकॉमन है, आपको शायद ना पता हो कि जो वॉच ओएस होता है वो भी मोबाइल ओएस में काउंट होता है, ओके। तो जो हमारा वॉच ओएस है वो भी एक टाइप का मोबाइल ओएस ही आता है, वो मोबाइल ओएस कैटेगरी में ही काउंट होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हमारा लास्ट टॉपिक के ऊपर जो है पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोस्ट 5 पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं तो जो मोस्ट पॉपुलर 5 ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी मैं लिस्ट यहाँ पे लेके आया हूँ। तो सबसे पहला जो मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आ जाता है मैक ओएस, जो एप्पल ने डिजाइन किया है, बिल्ड किया है, ओके। एप्पल कंपनी की तरफ से लॉन्च किया गया है मैक ओएस, जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है आज के टाइम का, मतलब 2021 तक का, अभी तक का सबसे मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड इन फ्यूचर भी मुझे लगता है कि ये पॉपुलर ही रहेगा। उसके बाद जो हमारा सेकंड मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सेकंड मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जो जो यूजर हैं
वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के यूजर बहुत ज्यादा है एंड मैक ओएस के यूजर थोड़े से कम है एज कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूजर। ओके, तो ओवरऑल हम बात करें तो जितने लोग भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो उनमें से ऑलमोस्ट 54% लोग, एक सर्वे हुआ था 2019 में उसमें पता चला था ऑलमोस्ट 54-55% लोग के बीच में यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड जो मैक ओएस है वो यूज करने वाले अराउंड 16-20% पीपल ही हैं जो मैक ओएस यूज करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड की। ये सर्वे हुआ था 2019 में, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो मोस्टली जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं विंडोज, लेकिन पॉपुलर जो आज के टाइम पे जो टॉप पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैक ओएस ही है। ओके, तो उसके बाद अब बात करते हैं थर्ड मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वो आ जाता है गूगल एंड्रॉयड ओएस। ओके, तो गूगल एंड्रॉयड ओएस मोस्ट पॉपुलर सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेसिकली हर किसी का डिवाइस आपको एंड्रॉयड ओएस के साथ ही मिल जाएगा। ओके, जितने भी आजकल मोबाइल बन रहे हैं सभी में एंड्रॉयड ओएस ही आ रहा है, मतलब गूगल का एंड्रॉयड ओएस आ रहा है। ओके, उसके बाद एंड अभी गूगल ने एक क्रोम ओएस भी निकाला है, बहुत टाइम हो गया है, तो उसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए, ये ADCA कोर्स से कुछ अलग हम रखेंगे क्योंकि वो इस टॉपिक में नहीं आता, ADCA कोर्स में वो कवर नहीं होता है। गूगल का एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, आप चाहें तो इंटरनेट पे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ओके, उसके बाद जो फोर्थ मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आ जाता है लिनक्स या फिर यूनिक्स भी आप इसे कह सकते हैं, यूनिक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो ये आ जाता है हमारा फोर्थ ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिकली जो कोडर होते हैं वो लिनक्स को यूज करते हैं, लिनक्स के अलग अलग मॉडल आते हैं तो वो इन्हीं में कोड करते हैं, थोड़ा सा बेसिकली वो इसको सिक्योर समझते हैं एंड यहाँ पे जो कोडिंग के हैं कोडिंग के आपको बहुत सारे ऑप्शंस में देखने के लिए मिल जाते हैं, मतलब जो भी बहुत सारे टास्क हैं टास्क आपको यहाँ इजीली परफॉर्म करने के लिए मिल जाते हैं। ओके, देन जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो है एप्पल iOS। एप्पल iOS बेसिकली कहाँ पे देखने के लिए मिलता है आपको पता ही होगा, जितने भी एप्पल के फोन आते हैं, मतलब आईफोन डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ, सब जानते ही होंगे आईफोन क्या है, तो जितने भी एप्पल के फोन आते हैं उन सभी में आपको एप्पल iOS देखने के लिए मिल जाता है एंड रिसेंटली अभी आईफोन 13 प्रो लॉन्च हुआ है, प्रो आई थिंक प्रो या फिर प्रो मैक्स लॉन्च हुआ है, तो बहुत ही कॉस्टली फोन है, इंडिया में इसके प्राइस की बात करें तो 1.8 लाख के आसपास इसका कुछ प्राइस है, 8 लाख रुपीस। ओके, INR की मैं बात कर रहा हूँ, INR, एंड पाकिस्तान की बात करें तो इनटू 1.5 कर दीजिए तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान में इसका प्राइस आपको पता चल जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान की करेंसी में 1.5 रुपीस का फर्क है, मतलब जो इंडिया के रुपीस हैं, इंडिया के 1 रुपीस होते हैं वो पाकिस्तान के 1.5 रुपीस होते हैं। ओके, तो करेंसी में 50% का फर्क है, मतलब 50% इनकी करेंसी थोड़ी सी हाई हो जाती है। ठीक है, तो इंडिया में लॉन्च हुआ है 1.8 लाख के आसपास का ये कुछ मोबाइल लॉन्च हुआ है, तो बेसिकली थोड़ा कॉस्टली फोन है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, पर पॉपुलर तो बहुत है, एप्पल के दो ओएस हैं, दोनों टॉप 5 में आ जाते हैं। ओके, एंड एक और 6 नंबर का जो पॉपुलर ओएस था, मैं ऐसा कह सकता हूँ, वो था माइक्रोसॉफ्ट का विंडो ओएस फॉर मोबाइल। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ने एक मोबाइल के लिए भी विंडो ओएस निकाला था जो एक टाइम पे पॉपुलर था, लेकिन कुछ कारण की वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने उसे बंद कर दिया एंड वहां पे उसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो भी धीरे धीरे से खत्म जैसी हो गई। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट ने अभी खुद के फोन भी निकाले थे, वो भी धीरे धीरे बंद कर दिए हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे ये था हमारा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हमारा टॉपिक आज का हो गया खत्म ऑपरेटिंग सिस्टम का। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई हो ऑपरेटिंग सिस्टम की एंड पता चला हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं एंड मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं हमारे सिलेबस के पेज के ऊपर, तो बारी आ जाती है हमारी क्लास नंबर 5 को एंड करने की, एंड कैसे करेंगे हम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को स्ट्राइक थ्रू करके, तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक भी हो चुका है अब कवर, मतलब टोटल 1, 2, 3, 4 टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं सेमिस्टर 1 में। ओके, 4 दिन में हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं, उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो अच्छी तरह से देखी हो, सभी चारों की चारों वीडियो,
क्योंकि जब तक आप उन वीडियो को अच्छी तरह से नहीं देखेंगे, पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, तब तक आपको वहां पे नॉलेज पूरी नहीं मिलेगी। इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। मैं कोई इसमें आपके फालतू की बात नहीं करता हूँ, पूरा टाइम मैं आपको सिर्फ पढ़ाता ही हूँ, ओके। तो वीडियो स्किप करने का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वहां पे हम कोई भी इधर उधर की बातें करते ही नहीं है। ओनली हमारा फोकस होता है कोर्स कंप्लीट करने पे। बहुत ही अच्छी तरह से इन डिटेल मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको ADCA कोर्स में कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, या आपको लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो रही है, मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप मुझे वहां पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जो मेरी पढ़ाने की स्पीड है, मैं उसे थोड़ा सा स्लो करूंगा एंड और हम बारीकी से सीखेंगे। एक क्लास में हम फिर एक ही टॉपिक कवर करेंगे, ताकि आप इजीली समझ पाएं, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं, अगर आप कमेंट करेंगे तभी मैं करूंगा, अदरवाइज अभी जैसे हमारी क्लास चल रही है 20-25 मिनट या 30 मिनट की हमारी क्लास हो जाती है, तो वैसे क्लास हम कंटिन्यू करेंगे, ओके। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक चालू किया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं डिवाइड कर दूंगा अलग अलग पार्ट में। तो OS का जो पहला पार्ट होगा उसमें मैं आपको डेफिनेशन बता दूंगा एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप बता दूंगा, ओके। या फिर उसके साथ मैं आपको ये बता दूंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फैक्ट्स आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक पार्ट, एंड उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं बता दूंगा आपको फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो थर्ड पार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड जो फोर्थ पार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। तो अगर आप बोलते हैं कि मुझे ऐसे करना है, तो मैं ऐसे भी आपको समझा सकता हूँ। एंड जैसे कि अभी मैंने एक कंप्लीट इन सभी टॉपिक की एक कंबाइंड क्लास बनाई है, तो आप अगर चाहते हैं कि मैं इसी फ्लो में पढ़ाऊँ, तो इसी फ्लो में मैं पढ़ाता रहूँगा। तो आपको लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो रही है, यहाँ पे मैं बहुत ही जल्दी जल्दी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं अपनी स्पीड को वापस से नॉर्मल करूंगा। एंड जैसे आपको मैंने अभी बताया कि टॉपिक वाइज हम पढ़ाई फिर शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई हो। नेक्स्ट क्लास जल्दी लेके आएंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।